अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान। आज हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कोमल चड्ढा जो बताएंगे आपको विस्तार से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल चड्ढा है। आज हम बात करेंगे बच्चों की मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में। आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। हमें ज़्यादातर समय अपने घर में बिताना पड़ता है, लॉकडाउन में रहना पड़ता है, मिलना जुलना बंद है। इससे बड़े तो प्रभावित हैं लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में बच्चों की मानसिक स्थिति में काफ़ी सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। कुछ बदलाव चिंता की वजह भी बनते जा रहे हैं। तो हमें आज ये जानना है कि कब हमारे लिए हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति चिंता की वजह बन रही है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। अगर वो लक्षण आपको अपने बच्चे में नजर आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से, किसी काउंसलर से या किसी साइकेट्रिस्ट से फौरन मिले। हो सकता है कि आपके बच्चे की मानसिक स्थिति उसके लिए बड़ी दिक्कत बन जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसे पहले ही क्योर करने का, उसका इलाज करने का पूरा उपाय जुटा लें। तो कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि उनकी रेगुलर एक्टिविटीज, जो डेली का रूटीन था, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। अगर बच्चे को कोई एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद थी और अब वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, वेट एकदम बढ़ता जा रहा है या बिल्कुल कम होता चला जा रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है, खासकर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर आप देख रहे हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत पड़ गई है, या फिर अगर जैसे कि मेरे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि आप देख रहे हैं कि उसका स्कूल में भी, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी पढ़ाई काफ़ी अफेक्ट हो रही है। उसका जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें नोट करें। अगर आप देखेंगे कि जो घर की एक्टिविटीज़ हैं, जो स्कूल में डेली एक्टिविटीज़ है, अगर आप देख रहे हो उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव है, तो आपके लिए कंसर्न वाली बात है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप नोटिस करते हैं कि बच्चा खुद को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहा है या दूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की मानसिक स्थिति के लिए चिंतित हों और उसका कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर ढूंढें। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में नज़र आने लगेंगे। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी पैदा होती जा रही है या उसे कोई दिक्कत होती जा रही है, तो आपको सबसे पहला कदम क्या उठाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, मानसिक स्थिति से रिलेटेड हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के स्कूल के टीचर्स या जिनसे वो रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करता है, उन सबसे बात करनी है। आजकल बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन फिर भी एक टीचर से रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप अपने बच्चे के टीचर से बात करिए कि क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। बच्चा जिन दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, क्या उन दूसरे बच्चों के साथ उसकी एक्टिविटीज में कोई चेंज आए हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो आप इन चेंजेस पर गौर करते हुए बच्चे के पीडियाट्रिशियन से मिलिए। पीडियाट्रिशियन को ये सारे सिम्टम्स, ये सारे पॉइंट्स बताइए और फिर डिस्कस करिए कि क्या कुछ इमीडिएट मेडिकेशन से या कुछ इमीडिएट काउंसलिंग से इस बिहेवियर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्या ये हार्मोनल है, क्या ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, बंद रहने की वजह से है, तो पीडियाट्रिशियन आपको गाइड कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि आपको उस लेवल पर भी सहायता नहीं मिल रही है, तो अब आपको एक लेवल ऊपर जाने की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट आपको बहुत तरीकों से मदद कर सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको बहुत लेवल्स पर इंटरेक्ट भी करेंगे। थेरेपिस्ट
बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे, उनका पेरेंट्स से इंटरव्यू होगा, वो स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल से बच्चे का बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों में बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, ग्रेड्स में कुछ चेंजेस आए हैं। यही नहीं, उनके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या बच्चे ने स्कूल चेंज करा है, जगह चेंज करी है, या कुछ उसकी एनवायरमेंटल सिचुएशन में किसी तरह का कोई भी चेंज आया है। अगर ऐसा किसी तरह का चेंज आया है तो उसको गौर करते हुए थेरेपिस्ट आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो वो भी थेरेपिस्ट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट को ज़रूर बताएं। और झिझके नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ कोई ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, या ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे में किसी तरह पागलपन का या किसी अलग मानसिक स्थिति का प्रभाव है। ये आम बात है, डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत ही आम बात है, लेकिन इनका इलाज कर लेना और सही समय पर इनका इलाज करना बहुत समझदारी होगी और सही भी रहेगा। बच्चा आगे लंबे समय तक प्रभावित नहीं रहेगा और रेगुलर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है बच्चे के, वो रेगुलर वे में अचीव करता रहेगा। अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपके बच्चे की मानसिक स्थिति में आपके किसी सहयोग की ज़रूरत है या बच्चे को किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं। ये मानसिक परेशानी भी किसी फिजिकल प्रॉब्लम की तरह ही होती है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि किसी पागलपन का अंदेशा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी दिक्कतें भी ट्रीटमेंट से और कभी कभी मेडिकेशन से बिल्कुल दुरुस्त करी जा सकती हैं, बिल्कुल सही करी जा सकती हैं। तो अगर आपका बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसे ट्रीटमेंट दें। इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है बच्चे की ट्रीटमेंट के दौरान दवाइयां ही नहीं, बच्चे के स्कूल टीचर्स का भी सहयोग ज़रूरी हो। जब स्कूल और स्कूल टीचर्स का सहयोग की बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी उसे और साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के अलावा उसे काउंसिल नहीं करे, बल्कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में उसे लीनियंसी देने की ज़रूरत है। जैसे कि हो सकता है कि दूसरे बच्चों से उसे टेस्ट के लिए ज़्यादा समय देना पड़े, या फिर जैसे अगर सुनने में या याद करने के लिए कोई प्रक्रिया बनाई गई है तो उसमें बच्चे को थोड़ा सा सहयोग देना पड़े टीचर्स को, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर कोई टेस्ट तैयार किया गया है तो उसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में बच्चे को दिया जाए। हो सकता है ऐसे किसी तरह की सपोर्ट की ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर स्कूल का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है तो आपको स्कूल से अपने बच्चे के बिहेवियर के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए। एक बार फिर ध्यान रखना है, ऐसे सिचुएशंस में ऐसा नहीं कि बच्चे को दूसरे स्कूल की ज़रूरत हो। दूसरे स्कूल की ज़रूरत सिर्फ, या फिर आपको बच्चे को अलग रखने की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब बच्चा अपने आप को या दूसरों को या दूसरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। अगर स्थिति इतनी गंभीर नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल काउंसलिंग से या कुछ केसेस में मेडिकेशन से भी परेशानी का आराम से इलाज निकाला जा सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स पूरा ध्यान रखिए कि बच्चे को मारे पीटे नहीं, बहुत ज़्यादा डांटे नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं। अगर बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपका प्यार सबसे पहला इलाज है। बच्चे को प्यार करें, उसे समझें, उसे उस पर झिल्लाए नहीं या उस पर किसी तरह का गुस्सा नहीं करें। ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको इन्हीं बातों का गौर रखना होगा। इस बात को बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं होना है या बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाना नहीं है कि आपके बच्चे के साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है।